गोंदिया के बीच कटनी शहडोल होकर चलने वाली गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस में जहर खुरानी की घटना प्रकाश में आई है। ट्रेन के कटनी पहुंचने पर बोगी के अंदर अचेत पड़े 3 यात्रियों को उतारकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में रेल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी संख्या 15232 गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल यात्रा बोगी में बिरबल गुप्ता, प्रमोद कुमार सिंह व कृष्ण गुप्ता गोंदिया से बलिया की यात्रा कर रहे थे। बताया जाता है कि ट्रेन में सफर के दौरान कुछ युवकों ने तीनों से मेलजोल बढ़ाया और किशमिश खाने के लिए दिया, जिसको खाने के बाद तीनों बेहोश हो गए और युवक उनका सामान लेकर चंपत हो गया। ट्रेन के कटनी पहुंचने पर तीनों को बेहोशी की हालत में उतारकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। होश आने पर यात्रियों के पास से गायब हुए सामान की जानकारी ली गई। कटनी से संवाददाता हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उसमें 3 बजे तक खूब आराम से अपन सोए साए, उसके बाद में क्या हुआ कि कोई कुछ फेंक दिया, क्या किया जो हम लोग बेहोश पड़ गए। 3 आदमी चाचा भतीजा एक बाहरी लड़का है, उसके बाद में वो लोग सब पैसा कोई जो था पॉकेट में उठा लिए हैं, मोबाइल ले लिया है लड़के को, बड़ा मोबाइल था। और लोग ना पता है, पुलिस को जब खबर चली है तो पुलिस हम लोग को उतारे हैं यहाँ पर, अपने को तो कुछ भी मालूम नहीं था, तो पुलिस वाले ने उतारा। अब कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गोंदिया से बलिया जा रहे थे। अच्छा, घटना कब की है? घटना ये इटारसी के पीछे में दो एक स्टेशन पीछे में हुआ हो, 3 बजे करीब, जहाँ भी हुआ होगा 3 बजे करीब हुआ। कितने लोग थे आप? मैं तो 3 ही आदमी। 3 थे। क्या नाम? मैं चाचा भतीजा बीरबल प्रसाद गुप्ता और मिर्जा प्रसाद गुप्ता। अब ये लड़के का नाम क्या है बता नहीं सकते।